श्रीवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करेवा प्रगट्या परम दयाल। श्री विठल सुखकारी नामे निष्पाप थाए नर नारी दुर्गति सकल निवारी प्रगट्या श्री व्रजपति रास विहारी। समस्त आचार्य कुल परिवार के चरण कमल में सदैव मैं दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों को श्री गोसाई जी प्रभु चरण के प्राकट उत्सव की खूब खूब बधाई। श्री गोसाई जी का प्राकट उत्सव 7 जनवरी को माक्षरवत नौम के शुभ दिन पर है। इस महामारी के काल में पुष्टिवृंद का यह विनम्र प्रयास है कि समस्त विश्व में वैष्णव जन अपने घर बैठे बैठे यह जैसे कि हम कीर्तन समाज कहते हैं इसका आनंद ले सकते हैं। समस्त आचार्य कुल परिवार के आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं और आप सभी वैष्णव जनों का जो स्नेह है जो शुभेच्छा है इसी से ही यह मनोरथ संपन्न हुआ है। और बधाई गान के साथ साथ विवेचन भी हो तो वैष्णव को अधिक आनंद आएगा। जैसे कि मंगला से शयन तक विविध रागों में बधाइयां गाई जाती हैं तो एक यह प्रयास भी है कि सभी कीर्तनिया जी के स्वर में एक एक बधाई और विविध रागों में अगर इसका श्रवण हम करें तो जो नए वैष्णव है वो भी सीख पाएंगे। और श्री गोसाई जी ने जो सेवा प्रणालिका में ये पुष्टि भक्ति संगीत जो आज हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध है यह पुष्टि भक्ति संगीत के लिए भी जिज्ञासा बढ़ेगी और अच्छे से अच्छा सीख सके यही हमारा शुभ उद्देश्य है। और हमारे परम स्नेही ये सभी कीर्तनिया जी ने इसका सादर स्वीकार किया और जो हमें सहयोग दिया है इन सभी के लिए पुनः धन्यवाद। अब मैं श्री सुमित कुमार जी शर्मा से अनुरोध करता हूं कि अपनी मधुर शैली में बधाई में जो गाया है उनका विवेचन आप करें। श्री सुमित कुमार जी शर्मा बहुत साल से पुष्टि मार्गीय ग्रंथों में प्रवचन करके वैष्णवों को भावुक भी कर रहे हैं और सेवा प्रणालिका के बारे में भी आप जागरूक कर रहे हैं तो इनकी सरल और मधुर शैली में हम सभी श्री गोसाई जी प्रभु चरण की बधाई का आस्वादन करें। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सायं कुञ्जालयस्था सन्मुप विलसत स्वर्ण पात्रं सुधौतम् राजद्यग्नोपवितं परितनुवसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। लौकिक में जन्म उत्सव बालक के जन्म के बाद मनाया जाता है।
पर पुष्टि मार्ग की ये विलक्षणता है कि यहां कोई भी जन्म उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी, महाप्रभु जी का उत्सव, गोसाई जी का उत्सव, बधाई गान वो उत्सव के पूर्व में होता है। हमारे यहां ये बधाई गान मानो के भागवत जी में हम श्रवण किए कि देवताओं ने विविध स्तुति करके प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु ने प्रादुर्भाव लिया, तो बस वही स्तुति गान हमारे यहां ये कीर्तन गान है। और आज ये गोसाई जी के प्रादुर्भाव महोत्सव में विविध रागों के द्वारा, विविध तालों के द्वारा, विविध कीर्तनकारों के मुख से आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का समन्वय ही परब्रह्म के प्रादुर्भाव को आज पधारने के लिए ठाकुर जी को आनंदित कर रहा है। प्रथम कीर्तन राग देव गंधार ताल आड़ा चौताल में है। चहु युग वेद वचन प्रतिपार्यो, ये रचना 252 वैष्णव में से माणिक चंद क्षत्री की है। आप आगरा के थे, एक बार जब गोसाई जी अड़ेल से एक वैष्णव के वहां आगरा पधारे, उष्णकाल के दिन थे, आप वो वैष्णव के वहां अटारी में जरोखा में विराजे और सामने ही ये माणिक चंद क्षत्री का घर था। उनकी स्त्री अटारी पे चढ़ी और वहीं सामने श्री गोसाई जी प्रभु चरण के दर्शन हुए, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से। उनकी स्त्री अपना देहानुसंधान भूल गई, चकित रह गई और ढूंढते ढूंढते जब माणिक चंद क्षत्री उनके पास आए, उनकी स्त्री ने कहा, देखो जो पुरुषोत्तम हमने सुने थे वो आज साक्षात सामने विराज रहे हैं और उनका दर्शन करो। माणिक चंद क्षत्री उनके दर्शन करके आप भी देहानुसंधान भूल गए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, देह कृत्य करके जब आप गोसाई जी के सन्मुख आए, नाम निवेदन की विनती की और जब गोसाई जी ने आपको नाम निवेदन करवाया, उसके बाद माणिक चंद क्षत्री ने जो पुरुषोत्तम रूप के दर्शन किए, वही भाव प्रथम पद के रूप में आपके सन्मुख बधाई के रूप में आपने गान किया, वो है चहु युग वेद वचन प्रतिपार्यो। चहु युग वेद वचन प्रतिपार्यो, आपने चारों युगों में वेदों के वचन का पालन किया है। जब जब धर्म की ग्लानी हुई, धर्म खंडित हुआ, तब तब आप वपु धर के भूतल पे पधारे हैं। सतयुग में श्वेत वारा रूप को धारण करके हिरण्याक्ष जैसे शत्रु का विनाश किया। त्रेता युग में राम रूप धर के रावण के कुल का संहार किया। द्वापर में ब्रज को डूबने से बचाने हेतु इंद्र के मान को भंग किया और तब सूर्यराज इंद्र आपके चरण स्पर्श करने हेतु शरण आया। और कृष्ण अवतार में आपने कंस आदि दानवों का संहार कर पृथ्वी का जो भार था वो हल्का किया। फिर से कलयुग में आपने वल्लभ के घर प्रकट होकर मायावाद रूपी असुर को नष्ट किया। माणिक चंद प्रभु कहते हैं, माणिक चंद प्रभु श्री विट्ठल पुरुषोत्तम रूप निहार्यो, मैंने ऐसे गोसाई जी के पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया है। ये इस बधाई में माणिक चंद क्षत्री ने भाव प्रस्तुत किया है। आओ हम इस बधाई को श्रवण करें। चहु युग वेद वचन प्रति पार्यो।
श्री वल्लभ ग्रह प्रगटे
चंद प्रभु श्री विठ्ठल पुरुषोत्तम रूप निहार्यो चहूं योग वेद वचन કીર્તનકાર વૃંદ તરફથી આ ગુસાઈજીના બધાઈ ગાનનો જે પ્રયાસ છે એનો સવિશેષ આશય એ છે કે સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ પુષ્ટિ માર્ગનું દુર્લભ એવું સાહિત્ય જેને જાણે માણે અને શીખે અને પ્રભુને ગાઈને લાડ લડાવે બસ એ જ આશય છે અમારો અમારા કૃષ્ણદાસભાઈ એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે અને અમો પણ એમને જે શૃંખલા શરૂ કરી છે એમાં રંજક સાથ પુરાવી અને આ પરંપરાને અવિરત વહેતી રાખવા માટેનો એક પ્રયાસ છે તો સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને ફરી એક વખત આહ્વાન કરું છું કે હવેલી સંગીત શીખો ગાઓ અને પ્રભુને લાડ લડાવો जय श्री कृष्ण। अब हम श्रवण करेंगे राग रामकली में कीर्तन सुनौरी आज नवल बधायो है। यह पद में छाप रसिक की है। हमारे यहां श्रीहरिराय महाप्रभु के पदों में और मट्टू जी महाराज गोपिका अलंकार जी के पदों में रसिक की छाप प्राप्त होती है। यहां मानो एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, अरे देख सखी आओ सुनोरी आज नवल बधायो है। शिवल्लभ गृह प्रगट भये हैं पुरुषोत्तम जायो है। शिवल्लभ के यहां पूर्ण पुरुषोत्तम रूप पुत्र का प्रागट्य हुआ है। नैनन को फल ले हूं सखी भयो अपनो मन को भायो है। जो अवतार की जिसकी हमें अभिलाषा थी वो प्रागट्य आज हुआ है। हे सखी तू उनका दर्शन करके नैनों का सौभाग्य प्राप्त कर। गिरधर लाल फेर प्रगटे हैं भाग्य ते पायो है। जो सारस्वत कल्प में ठाकुर जी थे वही गिरधर लाल आज फिर से श्री वल्लभ के वहां पधारे हैं। चारों ओर मणिमाला बंधन माला द्वार द्वार पे बंधाई है। श्री गोकुल में घर घरन प्रति आनंद छाया है। द्विज कुल चंद उदित सब विश्व को तिमिर नसायो है। आज द्विज कुल ब्राह्मण कुल में आज मानो के चंद का प्रागट्य हुआ है और सकल विश्व का जो अंधकार था वो दूर हुआ। महाराज श्री वल्लभ जी दान देत मन भायो है। उत्सव की बधाई रूप में श्री वल्लभ जी उदार मन के होके जो जाके मन होती कामना सो तिन पायो है। जिसके मन में जो अभिलाषा थी वो सब श्री महाप्रभु जी ने पूर्ण की है। जाके भाग्य फले या कली में तीन दर्शन पायो है। जिस प्रकार पद्मनाभ दास जी भी अपनी बधाई में कह रहे हैं, यह अवसर जे होते ते महाभाग्यवान।
उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं कि जाके भाग्य फले या कली में तिन दर्शन पायो है। कर करुणा श्री गोकुल प्रगटे सुखदान दिवायो है। मर्यादा पुष्टि पत थापन को आपते आयो है। इस पद में तृतीय वल्लभाख्यान में जिस प्रकार श्री गोसाई जी के प्रादुर्भाव का आबेहूब वर्णन किया है, ऐसा ही वर्णन यहाँ मिल रहा है। पुष्टि मार्ग की मर्यादा स्थापन के लिए आप स्वयं करुणा करके श्री गोकुल में पधारे हैं, सबको सुखदान प्राप्त करवाया है। रानी धन्य धन्य भाग सुहाग भरी जिन गोद खिलायो है। अक्का जी आज धन्य है कि जिनके गोद में ऐसे पुत्र को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रसिक भाग्य ते प्रगट भय आनंद दर्शायो है। सुनोरी आज नवल बधायो है। आओ इस पद का हम श्रवण करें। राग रामकली सुनोरी आज नवल बधायो है। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। चंद उदित सब विश्व को तिमिर न सायो भक्त चकोर मगन आनंदित हियो सिरायो वल
बुटी काम न सोती न पायो है सुनोरी आज नवल बधायो है जाके भाग्य फले या कली में तीन दर्शन पायो है कर करुणा श्री गोकुल प्रकट सुखदान दिवायो है सुनो नवल बधायो है मर्यादा पुष्टि पथ थापन को आपते आयो है अब आनंद बधायो है दुख दूर बहायो है सुनो रियाज नवल बधायो है रानी धन्य धन्य भाग्य सुहाग परी जिन गोद खिलायो है रसिक भाग्य ते प्रकट भय आनंद तरसायो है सुनो रियाज नवल बधायो बधायो है सुनो रियाज नवल बधायो है रानी धन्य धन्य भाग्य सुहाग भरी जिन को खिलायो प्रकट भय आनंद दर्शायो है सुनो रियाज नवल बधायो है नवल बधायो है सुनो रियाज नवल बधायो है नवल बधायो नवल बधायो नवल बधायो है श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सर्व वैष्णव ने मारो नम्र अनुरोध छे के आप पुष्टि मार्गीय परंपरा मुजब ज कीर्तन गाओ अने सीखो। अस्तु जय श्री कृष्ण। राग बिलावल में अब हम श्रवण करेंगे कीर्तन के शब्द हैं। परम मनोहर
श्री गोकुल गाम। ये रचना श्री गोसाई जी के सेवक सगुण दास जी, जो बंगाल के ब्राह्मण थे, विरक्त दशा में रहते प्रथम वृंदावन आए, तब रूप सनातन जी के सेवक भए। उसके बाद श्री गोसाई जी के अलौकिक दर्शन करके आपने उनसे नाम निवेदन प्राप्त किया। ये सगुण दास जी जिनका प्रसिद्ध कीर्तन है, आए देव विमानन चढ़ चढ़ महाप्रभु जी की बधाई। उन्होंने श्री महाप्रभु जी गोसाई जी गोवर्धन नाथ जी को एक करके जाना, अनेक बधाइयां, अनेक पद आपने रचे हैं। अब प्रस्तुत कीर्तन में बता रहे हैं हमको परम मनोहर श्री गोकुल गाम। वह गोकुल गाम परम मनोहर है जहां नंद नंदन ठाकुर जी वल्लभ नंदन के रूप में आज पधारे हैं। प्रगटे श्री विठल पुरुषोत्तम, पतित पावन बिरुद है नाम। पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव हुआ है और आपका नाम है पतित पावन। नाम रत्नाख्य में श्री रघुनाथ जी आपका 65वां नाम दिए हैं, महापतित पावनाय नमः। और सर्वोत्तम जी में श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी का 86वां नाम दिया है, पतित पावन। आप पतितों को भी पावन करने वाले हैं। वार्ता जी में प्रसंग आता है कि एक वैष्णव गोसाई जी की परीक्षा लेने के लिए कि देखें तो सही आपका नाम पतित पावन है, पर जीवों को कैसे आप पावन करते हैं, और परीक्षा लेने के लिए स्मशान में रहने लगे, वहां चिता की जो अग्नि थी उसमें रसोई पकाकर खाते थे, आचार विचार सब अपना भ्रष्ट कर दिया। एक दिन एक राजा के शरीर में कुष्ठ रोग हुआ, कोढ़ हुई, कैसे भी ना मिटे, कई दवा की, दारू की, कई उपचार किए, पर कैसे भी वह रोग न मिटे। गोसाई जी ने कहा कि हमारा एक वैष्णव वो स्मशान में रहता है, वहां जाओ, उसके आचार विचार मत देखना, पर उसकी तुम जूठन ग्रहण करो, तुम्हारा शरीर का सब रोग दूर हो जाएगा। गोसाई जी की आज्ञा पालन करने के लिए वो राजा गए स्मशान, उस वैष्णव की जूठन खाई, और वहीं उनका जो कुष्ठ रोग था, कोढ़ थी शरीर की, सब दूर हो गई। और वहीं गोसाई जी का ये महापतित पावनाय नाम फलित हुआ कि आप कैसा भी पापी हो, पतित हो, उसको पावन करने के लिए पधारे हैं। शिवल्लभ नंदन श्रुति भागवत भूषण अभिराम, आपने वेद मार्ग के अनुसार ये पुष्टि मार्ग का विस्तार किया है। श्रीमद् भागवत जी में आपको अगाध रुचि थी। 14 लोक ते अधिक अधिक छवि नित्य विहार, ब्रज वैकुंठ धाम, आनंद कोटि विमल यश गावत, दाता सदा सकल सुख काम, सगुण दास प्रभु श्री विठल के मन कर्म वचन चरण विश्राम। सगुण दास जी कह रहे हैं कि हम उन गोसाई जी के चरणारविंद में अपना मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, हम उनको समर्पित कर रहे हैं। आओ हम उसी बधाई का गान श्रवण करें, परम मनोहर श्री गोकुल गाम राग बिलावल में। परम मनोहर रसिको।
चतुर्भुज दास जी की वाणी में राग धनाश्री में अब प्रस्तुत हो रहा है। प्रभु
अब हम श्रवण कर रहे हैं राग आसावरी ताल धमार में। गुसाई जी की बधाई। पोष कृष्ण नवमी को शुभ दिन पूत अक्काजू जाए हो। ये रचना आगरा के माणिक चंद क्षत्री की है। आपने गुसाई जी के चरणों में सर्व समर्पित किया। गुसाई जी श्री मुख से आज्ञा किए। एक समर्पण तो राजा बलि ने किया और दूसरा समर्पण ये माणिक चंद क्षत्री ने किया है। आपने इस बधाई में गान किया पोष कृष्ण नवमी को शुभ दिन पूत अक्काजू जाए हो। पोष मास शास्त्र में इस मास को सदोष बताया है, पर श्री गुसाई जी ने इस मास में प्रादुर्भाव लेके सदोष पोष को भी निर्दोष बनाया है। विष्णुदास जी ने गाया है पोष निर्दोष सुख कोष सुंदर मास कृष्ण नवमी सुभग नव घरी दिन आज। आपने सदोष पोष को भी निर्दोष बनाया है प्रादुर्भाव लेके। पुष धातु पैसे ये पोष मास है, यानी कि आप जीवों का पोषण करने के लिए आप भूतल पे पधारे हैं। जब आपका प्रागट्य हुआ सुन सुन निज जन सब आनंदे, सबके मन में आनंद छाया है। बधाई गान करते हुए शिवल्लभ के सन्मुख आए। नारदादि ब्रह्मादिक हर के शुक मुनि अति सचु पाए। आपके प्रागट्य से नारद जी ब्रह्मादि और शुकमुनि को शुकदेव जी को अति आनंद हुआ है। श्री भागवत विवेचन करके गूढ़ अर्थ प्रगटाए हैं। वल्लभाख्यान 3 में बहुत सुंदर ये वर्णन मिलता है कि आ शुकदेव सबड़ आनंदिया वंदिया श्री वल्लभ जी ना चरण श्री गिरधरण भागवत मारु निरख से। शुकदेव जी को आनंद इसलिए हुआ कि ये भागवत जी के ऊपर सुबोधनी जी की टीका तो रची है महाप्रभु जी ने, अब उसका भी विस्तार टिप्पणी जी के द्वारा करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। वो शुकदेव जी भी आनंदित हुए हैं। कली के जीव उद्धारण कारण द्विज वपुधर भू आए हों। कलियुग के जीवों का उद्धारण करने के लिए उद्धार करने के लिए आप द्विज रूप में ब्राह्मण के रूप में आप पधारे हैं और उस समय श्री महाप्रभु जी अति उदार रूप से अति उदार श्री लक्ष्मण नंदन देत दान मन भाए हों। दान दक्षिणा कर रहे हैं इस और विप्रगण आके मंगल स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। वेद ध्वनि विप्र महामुनि ज्ञाति कर्म करवाए हों। जिस प्रकार जिस ज्ञाति में जो भी कर्म होता है बालक के जन्म के समय वो सभी कर्म वेद विधि से वहां संपन्न हो रहा है। माणिक चंद श्री विठल प्रभु के विमल विमल यश गाए हों। पोष कृष्ण नवमी को शुभ दिन पूत अक्काजू जाए हों। आओ इस पद का गान हम श्रवण करें राग आसावरी ताल धमार में। नौमी को शुभ दिन।
ब्रह्मादिक हरखे सुख मुनि अति सज भूतय का जा